दोस्तों क्या आप बता सकते हैं संगीत किसे कहते हैं? कोयल की बोली में गूंजता हुआ संगीत होता है, किसी छोटे बच्चे की तोतली बोली में भी संगीत होता है, चिड़ियों की चहचहाट में भी संगीत होता है। तो क्या संगीत की यही परिभाषा है? नहीं, मैं आपको संगीत की परिभाषा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो सफर है वो संगीत से शुरू और संगीत पर ही खत्म होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में, और लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ बंदिश बैंडिट्स, जो कि अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर। टोटल 10 एपिसोड हैं जो आपको संगीत की दुनिया में सैर कराने के लिए काफी है। कहानी कुछ यूं है कि राजस्थान के जोधपुर शहर का एक लड़का जिसका नाम है राधे, वो अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल मानता है संगीत की साधना। राधे के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है उसके खुद के दादाजी, जो है पंडित राधे मोहन जी, जो कि संगीत सम्राट के नाम से विभूषित हैं और एक महान कलाकार हैं। मामला कुछ यूं है कि पंडित राधे मोहन तिवारी जी संगीत की साधना का आधार मानते हैं अनुशासन को, और उन्हें लगता है कि उनके पोते में बाकी सब कुछ तो है लेकिन अनुशासन जो है वो नदारद है। सीरीज का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है तमन्ना, जो कि एक यूट्यूबर है और उनके हजारों और लाखों फैंस। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब संगीत की दुनिया में सराबोर होने को तैयार राधे अचानक से तमन्ना के प्यार में जुगलबंदी करने लगता है। क्या राधे और तमन्ना का प्यार अपने मुकाम तक पहुंचेगा? क्या राधे मोहन तिवारी अपने पोते को अपना वारिस चुनेंगे, या फिर कुछ और ऐसा होने वाला है जो इन सारी परिस्थितियों को पलट कर रख दे? सारे जवाब मिलेंगे इस वेब सीरीज में, जो अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो बिलीव मी, एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस को मिस कर देंगे आप। जो लोग बंदिश, रियाज, जुगलबंदी ऐसे शब्दों को नकार कर क्लासिकल म्यूजिक की कदर नहीं करते, तो मेरा दावा है कि इसे देखने के बाद आप क्लासिकल म्यूजिक के फैन हो जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे क्यों देखें? तो इसके शानदार और नए कॉन्सेप्ट के लिए, सबकी बेमिसाल अदायगी के लिए, इसके बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस के लिए जिसमें आपको राजस्थानी कल्चर देखने में बहुत मजा आएगा, खाने से लेकर कपड़ों से लेकर सारे लोकेशन से लेकर आप राजस्थानी कल्चर के फैन हो जाएंगे। वेब सीरीज के एक्टर्स की बात करूं तो अतुल कुलकर्णी, नसरुद्दीन शाह, श्रेया चौधरी, ऋत्विक भौमिक कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आपको अपना दीवाना भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक वेब सीरीज नहीं, एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, और इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरी तरफ से इसे मिलते हैं 4 स्टार्स। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नए रिव्यू के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।